इसे हम हिंदी भाषा में स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आज़ाद बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फ्री बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आज़ाद बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आज़ादी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फ्रीडम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में आज़ादी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में लिबर्टी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शासन बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रूल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शासन करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में रूल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंग्रेज बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ब्रिटिशर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बलिदान बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सेक्रीफाइस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बलिदान देना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सेक्रीफाइस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गुलाम बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्लेव बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गुलामी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्लेवरी बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में देशवासी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कंट्रीमैन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में देशभक्ति या राष्ट्र प्रेम बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पैट्रियोटिज्म बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में देशभक्त बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पैट्रोइट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शहीद कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में मार्टर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शहादत कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में मार्टरडम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सलामी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सैल्यूट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सलाम करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में सैल्यूट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झंडा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फ्लैग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तिरंगा कहते हैं जो कि तीन रंगों से मिलकर बना है और इसे हम इंग्लिश में ट्राइकलर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फहराना कहते हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा फहराया जाता है और इसे हम इंग्लिश में होइस्ट कहते हैं या इसे हम अनफर्ल भी कह सकते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चक्कर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में व्हील बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तिल्ली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्पोक बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में धूमधाम या ठाट बाट बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पोम्प बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लोक नृत्य बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में फोक डांस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में झांकी कहते हैं जो कि कार्यक्रम के दौरान दिखाई जाती है और इसे हम इंग्लिश में टैबलो कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में राष्ट्रीय गीत बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में राष्ट्रगान बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में भाषण बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्पीच बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में संबोधित करना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एड्रेस बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में श्रद्धांजलि बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ट्राइब्यूट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में श्रद्धांजलि देना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पे ट्राइब्यूट बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में श्रद्धांजलि देना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पे होमेज बोलते हैं।